नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है रोस्टेड सीड्स मिक्स, जो कि आजकल मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट के महंगे पड़ते हैं। इन्हें हम घर में ही बनाएंगे तो इससे हमें बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और ये नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाते हैं। साथ ही ये सीड्स हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। तो आप ये 2 से 3 चम्मच डेली आप ये सीड्स खाइए जब भी आपको छोटी भूख होती है, तो ये बहुत ही हेल्दी हैं। तो आइए इन्हें बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें 6 तरह के सीड्स लिए हैं, सभी को मैंने 100-100 ग्राम लिया है। तो ये 100 ग्राम अलसी है, तो आप ये 200 ग्राम भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। 100 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, मगज जिन्हें कहते हैं, 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स हैं और तरबूज के बीज हैं, और ये सनफ्लावर सीड्स हैं 100 ग्राम, और 100 ग्राम वाइट वाले तिल लिए हैं। तो ये आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाकी ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और आप अलसी थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, 200-300 ग्राम, और इसे हम पहले 3-4 मिनट के लिए गर्म करेंगे। तो आप टाइम का ध्यान रखें इसमें। तो सबसे पहले हम अलसी डालेंगे, क्योंकि अलसी ज़्यादा टाइम लेती है रोस्ट होने में, और अलसी को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखें रोस्ट करते टाइम। इसके बाद हम इसमें सनफ्लावर सीड्स डालेंगे, इसे सिर्फ 30 सेकंड रोस्ट करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें पम्पकिन सीड्स डाल देंगे। अब इन सबको हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। तो नमक एक बार गर्म हो गया, आप फ्लेम को मीट पे कर दें, और फिर हम बाकी के सीड्स डाल देंगे। खरबूजे के बीज डाल दिए, ये तरबूजे के बीज डाल दिए, और इनको हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। फ्लेम बीच में रखनी है, हाई नहीं रखनी है अब। और सबसे लास्ट में हम तिल डालेंगे, क्योंकि तिल सबसे कम टाइम लेगा रोस्ट होने में। अब इन सबको हमें 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। तो लगभग सिर्फ 10 मिनट में हमारे ये तैयार हो जाते हैं। तो आप लगातार चलाते रहें, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सीड्स फूटने लगे हैं और कलर भी चेंज होने लगा है। तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। अब आप गैस बंद कर दीजिए, और इन्हें हमें तुरंत ही छानना है, क्योंकि नमक गर्म होता है तो ये रोस्ट होते रहेंगे, ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे। और इस तरह से इन्हें आप छान कर निकाल लीजिए। तो जल्दी से निकाल लें, गर्म ना रहें ये उसमें। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। तो आप एक बार निकालने के बाद देखिए, इन्हें हम दोबारा छानेंगे, क्योंकि थोड़ा नमक रह जाता है वहाँ, हम जल्दी से निकालना है हमें वहाँ। एक बार आप और छान लें तो नमक अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए, इतने अच्छे से सीड्स रेडी हो गए हैं। तो आप इन्हें घर पर ही बनाइए, बाज़ार से बहुत महंगे पड़ते हैं। एक बार में देखिए, हमारे 600 ग्राम सीड्स रेडी हुए हैं। तो जब भी आपको दिन में थोड़ी बहुत भूख लगती है, आप 2 से 3 चम्मच ये सीड्स खाइए, या वैसे ही आदत में डाल लीजिए कि हमें रोज़ खाने हैं। तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं ये, बाकी ज़रूरी चीज़ें तो करते ही हैं इतनी सारी हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और स्टोर करके रखिए, ख़राब कई दिन नहीं होंगे ये। और सबसे बड़ी बात है, बहुत हल्का सा नमक इसमें आता है, ज़्यादा नमक नहीं आता है, तो हेल्दी रेसिपी है।